तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जद्दा किंग फाहद हॉस्पिटल से लाइव हूँ मैं आपको। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। एक तो मैं बाहर निकलते टाइम आपको कुछ दिखाऊंगा, और दूसरा ये कि ये पार्किंग बढ़ी हुई है यहाँ पर। तो एक मैंने तो वैक्सीन की दोनों डोज कम्प्लीट कर ली हैं अपनी, लेकिन एक दोस्त है हमारा, उसकी एक डोज रहती थी, तो यहाँ की परमिशन ली हुई थी, तो मैंने बोला भी आपको हॉस्पिटल भी दिखा दूँ। जद्दा किंग फाहद हॉस्पिटल तो सरकारी हॉस्पिटल है। इसकी बिल्डिंग देख लें, माशाल्लाह ये लुक देख लें कितनी अच्छी है। तो बाकी मैं आपको अंदर से, हम गेट के ऊपर गए हैं, तो गेट के ऊपर जाने के बाद भाई उसने हमको वापस भेज दिया। हमने हालांकि हमने तवक्कल ना अपनी ओपन की हुई थी, तो जिस बंदे को वैक्सीन भाई लगनी है उसी को ही अंदर जाने दे रहे हैं। तो ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, इसके 3-4 गेट हैं, लेकिन वैक्सीन वालों के लिए ये मखसूस किया गया है। इससे पीछे एमरजेंसी भी है। ये बिल्डिंग देख लें इसकी, माशाल्लाह, और ये पुरानी है, यानी कि अभी चल तो ये भी रही है, लेकिन नई बिल्डिंग जो बनाएगी है वो ये है जी। तो ये आप गेट से इंटर होंगे ना, तो वहाँ की आप देख लें, इन लोगों ने वेटिंग, जिसे बोलते हैं वेटिंग रूम बोल रहे हैं, या बंदों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है गेट के साथ ही। तो देख लें VIP किस्म की। लेकिन यहाँ पर भी आपको भाई आपकी दोनों डोज कम्प्लीट होनी चाहिए, और आप वक्फे से बैठ सकते हैं, एक साथ नहीं भाई। तो ये बाहर वाला मेन गेट है जी, मैं भी आपको दिखाता हूँ, देख लें आप, माशाल्लाह, ये इस तरफ देखें।